आज के लेक्चर में डिस्कशन है रिगार्डिंग द फोलैट फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट्स या फिर आप लोग कह सकते हैं कि फोलिक एसिड के सेंथेसिस के इनहेबिटर्स के हवाले से हम पढ़ेंगे कि वो सल्फोनमाइड्स हैं और ट्राइमेथोपरिम है इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जानेंगे वेल well, हमारे लेक्चर में आज के लिए जो पॉइंट्स हैं वो है द वेरी फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ द फोलेट और फोलिक एसिड पहले हम ये बताएंगे आप लोगों को कि फोलेट या फोलिक एसिड है क्या और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे कि ये फोलिक एसिड सिंथिसाइज कैसे होता है फिर उसके बाद हम आएंगे हमारे वेल well पॉइंट की तरफ कि सेल्फोनिमायर और चाय जो हैं वो कैसे इनहेबिट करते हैं इस फोलेट या फोलिक एसिड के सिंथेसिस को मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आएंगे तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फोलेट या फिर फोलिक एसिड है क्या असल में ये को फैक्टर है किसके लिए प्यूरन्स और पैरामेडीन्स के लिए और आप लोग जानते हैं कि प्योरंस पैरामेडीन्स एडनिन सैडोसिन थैमिन गिन यूरासिन मिथ्योनिन एस्ट्रा ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे बैक्टी एन ए के सेथसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो वेल हमारी जो ये फॉलिक एसिड में को फैक्टर है इन प्योरिन पेमिड्स को बनाने में तो अगर हमारे पास प्योरिन पेमिडिस्स होंगे फिर उसके बाद जो है अगले अमारे स्टेप आ, हमारे स्टेप्स जाएंगे हमारे डीनिक की सिंथेसिस होगी तो आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है को फैक्टर है किसके लिए फॉल एंड पैरामिडन्स के सिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया के हवाले से और ह्यूमन के हवाले से ये कि बैक्टीरिया इनको खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं और ह्यूमन जो है वो खुद से फोलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो हम ह्यूम जो हैं फोलिक एसिड को डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी दूसरी बात ये है कि जो सिंथेसिस है वो कैसे करते हैं ये बैक्टीरिया उसमें पढ़ते हैं और साथ में जो ह्यूम है उनका भी थोड़ा या, थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रेक्शन डिस्कस करेंगे जो बैक्टीरिया हैं इसमें यह बात भी है कि फोलिक एसिड अगर बना बनाया वह आसपास मौजूद हो तो वो इनके मेम्बर के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता ये हमारे पास क्या बैक्टीरियम है तो यहाँ पर सपोज कि जो फोलिक एसिड है तो यह फोलिक एसिड जो है वह क्रॉस नहीं कर सकता मेम्बर को तो ये मेम्बर जो है इम है तो इस तरह से इन बैक्टीरिया को जो है फोलिक एसिड खुद से बनाना पड़ता है कैसे बनाते हैं यहाँ पर इनके पास बायोमोलिक्यूल होते हैं दो दानी एक है पापा दूसरा है टेरेडीन पापा क्या है पेरा एसिड और टेरेडीन इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये बनाते हैं है एसिड और डाईहाइड्रोटेर एसिड जो है फिर ये इससे बनता है डाईहाइड्रोफोलेट और फिर ये फिर आप इस फोलेट को आप लोग फोलिक एसिड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं फिर यह डाईहाइड्रोफोलेट जो है इससे बनता है टेटरा हाइड्रोफोलेट या फिर हाइड्रोफोलिक एसिड ये जो बनता है ये बाई मीन ऑफ इंजाइम्स बनता है ना यहाँ पर तो कुछ इंजाम्स के थ्रू स्टेप्स आगे जाएगा इंजाम्स के बगैर से कैसे जाएगा तो वो इन्जैम्स बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं वो कैसे अभी देखो ये पैरा आमायनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन से क्या बना डाईहाइड्रो टेरोइक एसिड तो इसको बनाने के लिए जो इंज़ाम है उसका नाम क्या होगा उसका नाम होगा डाईहाइड्रो हाइड्रो सिंथेस सिंपल तो वो इंजैम क्या है डायहाइड्रो टेरोट सिंथेस ये इंजाम ने असल में इसको बनाया तो इसी की वजह से इसका नाम क्या हुआ डाई सिंथेस इंजाम है तो वो क्या बनाएगा डाई ऐसे बनाएगा या डाई बनाएगा तो इस तरह से क्या हुआ इस इंजाइम का नाम आप लोग सीख गए अब यहाँ पर भी एक है उसका नाम भी आप लोग सीख सकते हैं तो अभी देखो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास डायहाइड्रोफोलेट बना किससे बना डाई एसिड से बना, बना। लेकिन यहाँ पर जो बनना वाला प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से ही आप लोग इस इंजाइम का इंजाइम जो है इस दोनों के बीच इन्वॉल्व है ना तो वो इंजाइम जिसके थ्रू ये डाईहाइड्रोफोलिट बना वो क्या है वो इसी से ही आप लोग सीख ले डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेस गॉट तो यहां पर डाई सिंथेज नहीं असल में डाई एसिड से डाई हाइड्रोफोलेट बना लिया और यहां पर जो स्टेप है ये थोड़ा सा आपने समझना है इसका एंजाइम फिर आप लोग नहीं भूलोगे अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट दे रहा था कि आप लोग ग्रैमिंग ना करें अपने दिमाग को खराब ना करें इनको याद करने में बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं अभी तो डाई हाइड्रोफोलेट से क्या बना टेट्रा हाइड्रोफोलेट या फिर हाइड्रोफोलिक एसिड तो ये कैसे बना डाई से ट्राई बना यहां पर देखो डाई हाइड्रो से ट्राई हाइड्रो बना सॉरी uh, टेट्राहाइड्रो बना तो डाईहाइड्रो में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है दो और टेट्रा में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है फोर तो दो से चार बने ना आप लोग तो जानते होंगे केमिस्ट्री में हम लोग की बढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिगार्डिंग रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का जो डेफिनेशन है आपको क्लियर होना चाहिए कि रिडक्शन में क्या होता है रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है हाइड्रोजन ऐड होते हैं अभी यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे यहाँ पर फोर हो गए तो दो से चार हो गए क्या हो गए फोर हो गए तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म हुआ रिडक्शन का मैकेनिज्म हुआ गुड तो आपने रिडक्शन याद करना है अभी जो एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है इस रिडक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो क्या है वो असल में वो रिडक्शन किसका कर रहा है वो इस डाई का रिडक्शन कर रहा है तो आपने क्या करना है डाई इसके नाम से भी अभी ये जो इंजाइम होगा ये आपने इस के नाम से याद रखना है वो कैसे डाई हाइड्रो क्या है फोलेट है फोलेट अभी इस डाई हाइड्रो ये क्या है ये असल में एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो इसका रिडक्शन करे तो आपने यहां पर दो से हाइड्रोजन चार हो गए तो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डाईहाइड्रोफोलेट का रिडक्शन करके इससे बनाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट्राइड्रोफोलिक टेट्रा एसिड वेरी सिंपल इस एंजाइम ने इसमें रिडक्शन किया रिडक्शन कैसे हुआ इसमें मौजूद थे डायहाइड्रोफोलेट में दो हाइड्रोजन थे अभी टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कितने हो हो गए गए तो इसने रिडक्शन करवाया डायहाइड्रोफोलिट का रिडक्शन हुआ इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन का अमाउंट जब इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन तो जब ये रिडक्शन करवाएगा तो डायहाइड्रोफोलेट से बनाएगा टेट्रा हाइड्रोफोलेट तो ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट बना अभी ये जो बन गया है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास प्योरस और पायरामेडीन्स की सिंथेसिस के लिए क्योंकि ये को फैक्टर है प्योरस पार्मोडेंस को बनाने के लिए ये को फैक्टर होगे तो प्योरस पार्मोडिन बनेंगे नहीं होंगे तो प्योरस पार्मोडिन नहीं बनेंगे अभी हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकेशन है लाइक सल्फोनमाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम जो इन ही के ऊपर एक्शन करके फिर ये प्योरिन पारमोडिन की जो को फैक्टर है फोलेट या पोफोलो फो कसर के ऊपर नहीं बनाएंगे तो वो कौन कौन से है द वेरी फर्स्ट वन इज सल्फोनमाइड सेकेंड वन इज ट्राइमेथोप्रिम अभी इनके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि ये केस है हमारे इस एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या हम आप लोग कह सकते हैं कि एसिड एंटागोनिस्ट कौन-कौन से उनका मैकेनिज्म कौन सा है तो आप लोग तो यह जान चुके हैं कि हमारे पास एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं और में तो प्रेम। अभी है अभी जानते हैं कि ये कैसे इनहेबिट करते हैं कैसे ये इनहेबिट करते हैं सिंपल आपने सिर्फ जानना है इसका साइड ऑफ एक्शन उसके बाद मैकेनिज्म वेरी सिंपल सर्फोन जो है ये असल में आ करके क्या करता है ये ये इसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है विद पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एक साइड स्ट्रक्चर में है तो जब ये आकर के पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह ले ले और थेडिंग के साथ यहाँ कर मिल जाए तो फिर ये जो हमारे पास इंजाइम है ये इस इंजाइम का जो सबस्ट्रेट हो जाएगा फिर वो सल्फोनामाइड हो जाएगा तो सल्फोनामाइड ड्रग इस इंजाम के ऊपर तो एक्शन करेंगे अभी ये जो हमारे इंजैम है उनका सब्सट्रेट ये हो जाएगा उनका सब्सट्रेट पहले ये था अभी हो जाएगा क्योंकि ये मोर इसकी अफिनिटी होती है व डाई हाइड्रो टेरोड सेंथेस इंजैम जो है तो ये इंजाम फिर इसके साथ एफिनिटी जब करेगा तो फिर उससे जो बने वाला प्रोडक्ट है या फिर ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो डाई हाइड्रोटेरोड टेरिक नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर पैरा अमान बेंजुरी के में छाही होता था अभी वो नहीं है अभी सल्फोनामायट ने उसकी जगह ले ली और ये जब इसके साथ बाइंड करेगा तो फिर आगे का स्टेप जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा इन शॉर्ट आप लोग ये कहेंगे कि हमारा जो टेट्राफोलेट है टेट्रा हाइड्रोफोलेट या टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसड जो है वो फिर नहीं बनेगा तो इन शॉर्ट क्या हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइट्स ये सबस्ट्रेट की तरह आते हैं फॉर द डाई सिंथेस तो डाई हाइड्रोटेरोड सेंथेस जो है वो इस सल्फोनामाइट के साथ इंट्रैक्ट करेगा और फिर इस तरह से आगे का स्टेप नहीं जाएगा क्यों क्योंकि पैरा पैरा अमानो बेंजोइक का जो है था वो इन्वॉल्व नहीं हुआ जब ये इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर आगे जो है सिंथेसिस नहीं होगी तो इस तरह से ये इन्हेबिट करते हैं सिंथेसिस को खुद को पेश करते हैं डाईहाइड्रोटेरोड सिंथेसिस के सामने और फिर उसके बाद जब ये पेश करते हैं इनकी इंट्रैक्शन होती है फिर इस तरह से ये एक इरिवर्सिबल इंट्रैक्शन है तो फिर ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को यूज नहीं करते उसको यूज करने नहीं देते तो इस तरह से डाई नहीं बनेगा डाई नहीं बनेगा तो डाईहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा डाईहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा या आप लोग कह सकते हैं कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा मीन्स हमारे रिक्वायर्ड फोलिक एसिड नहीं बने फॉर जो प्योरिन के, के लिए यूटिलाइज होने थे तो वो अभी नहीं बने अभी हमारे पास है ट्राइमिथोप्रिम इसका एक्शन क्या है वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग के काबिल है ये असल में क्या करता है ये ये ट्राइमिथोप्रिम इसका साइट ऑफ एक्शन जो है बहुत ही सिंपल और आसान है ये हमारे पास है क्या था ये डाई हाइड्रोफोलेट रेडक्टेज ये असल में इसको इनहिबिट करता है तो जब ये इनहिबिट होगा तो फिर ये डाई हाइड्रोफोलेट्स रिड्यूस नहीं होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा यानी कि हमारे पास जो है फोलिक एसिड नहीं बना तो फोलिक एसिड जब नहीं बना तो फिर हमारे जो प्योरस पायमाडीस हैं उनकी सेंथिस फिर नहीं होगी क्योंकि हमारे को फैक्टर्स नहीं बन रहे इस तरह से फिर हमारे प्योरिन पायोमोडिन की सेंथिस नहीं होगी तो ये हमारे पास क्या था डी एच एफ आर डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्ट जो था ये इनहेबिट हुआ तो इस तरह से सल्फोनमाइड और ट्राइमेथोप्रिम जो हैं वो इन दो जगहों पर टारगेट करते हैं ये इंजैम डाए हाइड्रोफोलिट्स टेरोइसठेस और डाई रिडक्टेस ये दोनों इंजाम के साथ इंट्रैक्ट करके फिर आई स्टेप्स को आगे फिर स्टॉप करता है तो इन दो को आप लोग एक एक करके भी दे सकते हैं लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके भी दिया जाता है तो इन दोनों के लिए जो ट्रेड नेम है जिसमें दोनों होते हैं सिल्फोनाइड्स और ट्रेमिथोपरम दोनों ड्रग होते हैं वो है हमारे पास बैक्ट्रियम तो ये दोनों इंडिकेट किए जाते हैं रिगार्डिंग सिल्फोन ट्रामिथोपरिम दोनों देंगे तो दोनों का जो है वो एक किस्म का साइनरजिस्टिक इफेक्ट होगा दोनों जो है वो असल में फोलिक एसिड की को इनहिबिट कर रहे हैं तो दोनों का असर जो है आप कह सकते हैं कि पहले सिर्फ एक शख्स लड़ रहा था अभी दो शख्स लड़ रहे हैं तो इस तरह से जब दो लोग लड़ेंगे किसी एक चीज़ के लिए तो फिर या दो लोग आप लोग कह सकते हैं कि जब दो लोग काम करते हैं कि इसी एक काम का स्पेसिफिक काम करते तो फिर वो काम जल्दी से हो जाता है तो पहले सिर्फ एक शख्स कर रहा था अभी दो लोग काम कर रहे हैं तो इस तरह से ये काम जो है वो आसानी से हमारे ये ट्राए में तो प्रेम और सिर्फ अमार्ज कर लेंगे तो इसीलिए फिर हम लोग इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं और वो कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास है बैक्ट्रिम इसका एग्जाम्पल है इसका ट्रेड नेम है इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा कोर्नेम भी यूज होता है दैट इज़ एक्चुअली कोट्राईमोक्साजोल तो कोट्राइमोक्साजोल या फिर बैक्ट्रम ये दोनों क्या है इसमें इसमें असल में ये दोनों जो है असल में एक ही नाम है फॉर द कम्बिनेशन ऑफ सल्फोन और ट्राइमिथोफरिम ऐसे ड्रग्स जिनमें सेल्फोनायड्स और ट्रामिथोपरिम दोनों होते हैं तो वो हम लोग फिर देते हैं ताकि हमारे पास जल्दी का असर हो या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सैनोजिस्टिक इफेक्ट देखने को मिले तो ये हुआ इन शॉर्ट रिगार्डिंग द फोलेट एंटागोनिस्ट और उनकी इंट्रोडक्शन साइंसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर भी क्वेश्चन है कहीं पर भी कंफ्यूजन है ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स and welcome for the answers and thank you for watching